नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लाल सिंह सर। लाल सिंह जी आप कहाँ से आए हैं? गांव बिहाली तहसील अटेली महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से सर, हरियाणा। सर संत रामपाल जी हमारा से कब जुड़े आप? 13 फरवरी 2006 को सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं रिटायरमेंट हूँ, पैरामिलिट्री में सर्विस करता था सर। सर संत रामपाल जी हमारा से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर भक्ति साधना तो करते थे, देवी देवताओं के एक छोटी सी सत्संग पार्टी थी गांव के अंदर, उसी में भजन कीर्तन ऐसे किया करते थे सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हम सर्विस के दौरान में नागालैंड में थे, उस समय में सर बीमार हो गए थे, दिमाग की मलेरिया हो गया था, उस समय से हमारी स्थिति बहुत नाजुक हो गई। उसके बाद में टाइफाइड हो गया, उसके बाद में जॉन्डिस हो गया, उसके बाद में शरीर की हालत ख़राब हो गई, बिल्कुल चल नहीं सकता था, और मैंने कोर्स भी छोड़ दिया, उसमें कोई प्रमोशन भी नहीं ले पाया, और साहब ऐसा हालत हो गया था, बिल्कुल नाजुक स्थिति हो गई थी। उसके बाद में हर तीसरे महीने मेरे को बीमारी घेर लेती थी, तो मेरे को पान पड़ने नहीं थी, ऐसा हुआ था शरीर में हाथ पैरों में सूजन आ गया था, और ट्रीटमेंट करवाने के लिए जहाँ भी जहाँ बोले ट्रीटमेंट किया, बेस गुवाहाटी, आसाम, इधर सर उत्तर प्रदेश रामपुर, इधर सब अपने गांव में जितने डॉक्टर थे नारनौल, इधर छुट्टी आता था, इधर में भी, इधर में कोकराझार आसाम, और सर ट्रीटमेंट करवा तो कहीं कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था सर। तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी मेरी सर भी सर, 23 साल कुछ महीना हो चुकी थी, मैं सर रिटायरमेंट के लिए वो पेंशन के लिए दे दिया, तो मैं परिस्थिति के कारण मैं घर पर आ गया। घर पर आने के बाद में और हालत ख़राब होगी, हालत ख़राब होगी तो पूछने लगे तांत्रिकों के पास में, लोग घर वाले लेके जाने लगे, तो हालत ऐसी होगी थी, 3 लाख रुपया तो कर्जा ही हो गया था सर, तो हालत बहुत नाजुक होगी थी। तो कोई तो रिश्तेदार मिलने के लिए आने लग गए थे, 2-4 दिन का है, कोई जाने 10 दिन का है, कब चला जाए कोई ठिकाना नहीं है सर। आपके बताए नहीं सर, आपकी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य मिले मदनदास, तो उन्होंने मेरे को भक्ति सौदागर का संदेश एक बुक दिया, उसको पढ़ा, फिर उन्होंने बोला कि आप वहाँ चलो, हम गए करों था आश्रम, तो वहाँ पर साहब गए, तो वहाँ पर जाकर सतगुरु जी ने हमने सारा अपना विवरण सारा हाल बताया, उसके दौरान सतगुरु जी ने हमको नाम दीक्षा दी। नाम दीक्षा देने के बाद में स्थिति धीरे 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 सुधरती आगे, बहुत जल्दी स्थिति शरीर की सुधर गई सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से। उसके बाद में काम चलता रहा, कुछ कर्जा भी हल्का होता रहा सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से। एक बच्चा सर्विस में लग गया, उसके बाद में फिर दूसरे लड़के ने फिर इंटरव्यू दिया दिल्ली पुलिस का, वो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन उसका हो गया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की कृपा से। अच्छा जी, उसके बाद में स्थिति बहुत बढ़िया हो गई, अभी 2 प्लाट भी गुड़गांव में ले लिए, मतलब बहुत अच्छा काम चल गया, और सब ये परिवार में किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ नहीं है, बिल्कुल अच्छे अमन चैन से रह रहे हैं, सारा कर्जा उतर गया और सारा सब कुछ हो गया मालिक की संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। सर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आपको बहुत अधिक लाभ हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो ये कहना चाहेंगे, जो भी जिसको दुख तकलीफ है किसी भी प्रकार की, किसी भी आर्थिक व्यवस्था किसी भी, तो सत्संग सुनिए, बुक पढ़िए, सतगुरु जियों की मंगवाइए, और उसके बाद में अपना जीवन कल्याण करिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा, बहुत चैनलों पर सत्संग आते हैं सतगुरु जी के, और बहुत बुक भी लिखली हुई है सतगुरु जी की, बुक पढ़े, सत्संग देखें, सत्संग में नीचे पट्टी चलती है उसमें नंबर लिखे हुए होते हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके नंबरों से नज़दीक नामदान केंद्र पर जा कर के नामदान ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।